नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त बुलेटिन का। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। खबर बल्लभगढ़ से ही, जहां मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमोट दबा करने वाले हैं। फरीदाबाद में बाकी दो मेट्रो स्टेशनों का उद्घाटन गुड़गांव में बैठकर रिमोट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। वहीं लंबे समय से इंतजार कर रहे बल्लभगढ़ के लोगों की अच्छी खबर है, तब तक लोगों को मेट्रो स्टेशन के दो स्टेशन सुपुर्द कर दिए जाएंगे। वहीं पलवल बल्लभगढ़ के सैकड़ों गांव और सेक्टरों के लाखों लोगों को इन दो मेट्रो स्टेशनों के चालू होने से अत्यधिक फायदा होगा। साथ ही बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन की कई खासियत हैं, जिनमें रेलवे स्टेशन और बस अड्डा स्टेशन के बाहर होने के अलावा इस बहुमंजिला मेट्रो स्टेशन से मॉल और होटल भी होंगे, जो यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद होंगे। प्रधानमंत्री जी केएमपी का उद्घाटन, जो बाकी पार्ट बचा हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे, गुड़गांव से करेंगे, और ऐसा लगता है कि उसी दिन मेट्रो का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री सुल्तानपुर से वहाँ से करेंगे, गुड़गांव से। और ये बल्लभगढ़ के लोगों के लिए, फरीदाबाद के लोगों का ये दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा होगा। और जो शहर में जो आम लोगों का रास्ता है, जिन्हें जाना है, जो बल्लभगढ़ सबसे बड़ी नगरी है, जो लोगों को राहत मिलेगी रोडों पे या व्हीकल पे जो राहत मिलेगी, उसे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और सारे शहर में खुशी इस बात की, वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के मित्रों ने पत्थर तो शहर में बहुत लगाए। ये बात करते हैं पत्थर हमने लगाया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के मित्रों ने मझावली का पुल आज से 20 साल पहले पत्थर लगाया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो पुल 6 महीने में तैयार हुआ। केएमपी करेंगे उद्घाटन करा है, उसका भी पत्थर 2000 समय थे कांग्रेस के लोगों ने लगाया, और आज तक काम हुआ कि भारत सरकार ने, हमारी केंद्रीय सरकार ने, स्टेट सरकार ने पैसे दिए। और मुझे इस बात की खुशी इस बात की है कि 2014 में हम MLA बने, और 2015 में पहले बजट सेशन में, जो पहला बजट सेशन था, उसमें 523 करोड़ आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसके लिए मेट्रो के लिए करे। आज वो काम पूर्ण होने जा रहा है, इस बात की खुशी है कि जो अपने हाथों से हमने शुरुआत करी, उसका समापन भी, उद्घाटन भी हमारे सामने होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो काम की शुरुआत की, उस काम को पूरा करने जा रहे हैं। और मैं इस बात की बधाई देता हूँ फरीदाबाद के लोगों को कि सबसे ऐतिहासिक नगरी बल्लभगढ़ है, और शहीदों के नाम से जो नगरी है, उस सबसे बड़ा तोहफा शहीदों की नगरी को बल्लभगढ़ को मिलेगा, और आम जिला फरीदाबाद को, सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मेट्रो को यहाँ बल्लभगढ़ तो बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं आने की, और 2015 से जब से इसका प्रपोजल शुरू हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से बल्लभगढ़ की आधारशिला रखी, उसी दिन से उम्मीद लगा रहे कि कितनी जल्दी बल्लभगढ़ आए, क्योंकि बल्लभगढ़ एक ऐसा स्टेशन बनेगा जो जंक्शन है अपने आप में। नेशनल रेलवे यहाँ से पूरे देश के लिए गुजरती है, मद्रास तक के लिए और कन्याकुमारी तक के लिए, यहाँ से रेलवे लाइन नेशनल रेलवे लाइन है, नेशनल हाईवे NH2 यहाँ से गुजरता है, और बिल्कुल जस्ट सारी चीज़ें आधा किलोमीटर के दायरे में है, मतलब पैदल जर्नी है 250 मीटर की दूरी पर सारी चीज़ें हैं। वहीं से बल्लभगढ़ सिटी जो लगी हुई है वहीं है, वहीं मेट्रो स्टेशन हो गया, तो 4-5 जंक्शन, वहीं दशहरा ग्राउंड बल्लभगढ़ का है, 4-5 जंक्शन ऐसे हैं कि सारी दुनिया रेल। हमारा सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पलवल से, उत्तर प्रदेश से जितनी भी रोडवेज की बसें आती हैं, तो रोडवेज का डिपो भी उसी परिसर में है, रेलवे परिसर हो गया, हाईवे का हो गया, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे ख्याल NCR में सबसे अच्छा क्षेत्र बनेगा बल्लभगढ़ का। मेट्रो के आने से लाखों लोगों को फायदा होगा, और जाके इससे पॉल्यूशन में भी कमी आएगी, और जाके जो ट्रैफिक की जाम की समस्या है उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। और हम तो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे मेट्रो दिवाली से पहले वो बाहर मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल पाया है, देर आए दुरुस्त आए, जाके आदमी हम ये चाहेंगे जाके जल्द से जल्द मेट्रो जाके आदमी आए, पॉल्यूशन की भी कमी आए और जाम से भी निपटा जाए। खबर टोहाना से है, जहां रतिया रोड पर श्री दुर्गा महाविद्यालय के मुख्य गेट के ठीक सामने एक तेज गति की मोटरसाइकिल एक जीप से जा टकराई, जिससे मोटरसाइकिल के साथ चालक को भी सर में चोट लग गई। घायल ने लोगों को अस्पताल में पहुंचाया। बताया जा रहा है कि जीप में कुलरिया गांव से एक बारात टोहाना आ रही थी, वहीं मोटरसाइकिल चालक टोहाना से जमालपुर की तरफ जा रहा था, तभी सामने से आ रही गाड़ी की ठीक बीच में मोटरबाइक टकराया, जिससे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गाड़ी के चालक गुरुदयाल ने बताया कि वो बारात लेकर आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। गाड़ी चालक ने तेजी से ब्रेक लगाकर बचाव की काफी कोशिश की, जिसके निशान भी सड़क पर देखे जा सकते हैं। कैसे रॉन्ग साइड ले आके मारे मोटरसाइकिल, मैं बारात नहीं जाना, कितों ब्रेक बजे है, तो ले आके रॉन्ग साइड दबलिया वाला होया सी मोटरसाइकिल, इन्हों आपकी साइड का कोई पता नहीं, लिया के पिछे ठोकता।
ਟਹਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਰਾਤ, ਕੁਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਟਹਾਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜੀ? ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। बढ़ते आगे यमुना नगर के गांव दड़वा में पशुओं की डेयरियों के पानी की निकासी को लेकर अब प्रशासन को दो तरफ का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। पहले यहां डेयरियों के पानी की निकासी को लेकर डेयरी मालिक प्रशासन को कोस रहे थे, ऐसे में अब जब प्रशासन ने डेयरियों के पानी को गांव के बीच से निकालने की सोची तो आज गाँव के लोग भी प्रशासन के खिलाफ हो गए हैं और बाद में पुलिस की मदद से गाँव के बीच से नाला खोदकर पानी पंचायती जमीन पर छोड़ा गया। नाले की खुदाई होते ही गाँव के लोग भड़क उठे और मौके पर प्रशासन को हालत देखते हुए पुलिस बुलानी पड़ी। सप्लाई कनेक्टेड है, चारों तरफ गांव बसा हुआ है, अगर यहाँ पे डेयरियों का गंदा पानी छोड़ा गया इससे कितनी बीमारियां फैलेंगी, कितने कीड़े कंडे फैलेंगे यहाँ पे, जिससे कि हर एक गाँव वासी को नुकसान है। अभी डेयरियों का पानी इस पाइपलाइन में यहाँ पे कनेक्टेड था, टूंटी में पानी आता था, जिससे कि उसमें एक दिन के अंदर अंदर गोबर वाला पानी आना शुरू हो गया। अगर यहाँ पे दो दिन भी नाला चल गया तो दो दिन में यहाँ जो वाटर सप्लाई कनेक्टेड है, सारे गांव इससे कनेक्टेड है, सारा गांव पानी पीता है, तो उसका क्या हाल होगा? ये उन लोगों को, तो उन लोगों के बारे में अधिकारी कोई नहीं सोच रहा, प्रशासन एक तरफा फैसला कर रहा है, जोर जबरदस्ती पे ये काम कर रहे हैं। जो पानी की निकासी थी उसका हम पाइप दबाने का काम कर रहे हैं और ये हमने एक टेम्परेरी हल निकाला है कि इतने जो बड़े पाइप डलने हैं वो उधर से परली साइड से बड़े पाइप डल जाएंगे और इधर से इतने वो। लोगों का ये कहना है कि ये जो पाइप आप डलवा रहे हैं इससे जो गांव में पानी रुकेगा, पीने का पानी भी खराब हो जाएगा। इसके लिए हमने हमारे एसपी साहब यहाँ को विजिट करते हैं और यहाँ एक टेम्परेरी हल है, ना कोई ये परमानेंट हल है और इसका फिर सीधा पानी का निकासी हो जाएगी, उसमें हमने कनेक्शन भी इतने पाइप का हमारा काम शुरू। फतेहाबाद के डीसी डॉक्टर जेके आभीर ने पराली जलाने वाले किसानों के गन लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। रेन्यूअल, नए बनने वाले प्रार्थना पत्र क्षेत्र बढ़ाने के केस, नए ऐड करने या खेल संबंध रखने वाले सबकी चेकिंग होगी, परिवार यदि पराली जलाने में लिप्त पाए गए तो समुचित कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार को आदेश देते हुए कहा है कि जिन जगह पर दिवाली की रात पराली में आग लगी है उन्हें रिकॉर्ड लेकर रिपोर्ट करें। डीसी जेके आभीर ने आदेश जारी कहा है कि पराली का मुद्दा महत्वपूर्ण है, फतेहाबाद में पराली के केस काफी इजाफा हुआ है कि अगर किसी के पास बंदूक का लाइसेंस है और उसने या फिर उसके परिवार के लोगों ने पराली जलाई है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। असल में पराली का मुद्दा जिला फतेहाबाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो किसान 118,000 हेक्टेयर में राइस की जो है ना वो खेती करता है, पर पराली जलाने के केसेस काफ़ी संख्या में जो है ना बढ़े हैं। इस साल काफ़ी किसानों ने कोशिश करके और मशीनरी का प्रयोग करके, खास करके हैप्पी सीडर और जो बेलर है उसकी मदद से कोशिश की है कि कम से कम पराली जलाएं, फिर भी कई किसान ऐसे हैं जो मान नहीं रहे हैं और कई बार कई कुतर्क देते हैं, उस हिसाब से बात को समझ नहीं रहे, अधिकारियों की टीम जाती तब भी कई बार जो है ना वो परेशानी खड़ी करते हैं। ऐसे में हमारे पास लगभग 10,000 लोगों के आग लाइसेंस बने हुए हैं और इनमें से काफ़ी किसानों के भी बने हुए हैं। अब हमने ये डिसाइड किया है कि जो परिवार जिसका लाइसेंस बना हुआ है और उसने रिन्यूअल करवाना है, किसी ने नया बनवाना है, किसी ने अपने जो है ना डिले कंडोन का है, कई चीज़ें ऐसी हैं, तो हम उनको चेक करेंगे, रिपोर्ट बना रहे हैं और इसके अंदर जो भी समुचित कार्रवाई को करेंगे इनके लाइसेंस रद्द भी हो सकते हैं, रिन्यू होने में भी कठिनाई आ सकती है। और इसका एक पर्पस हमारा यह है कि समझें कि जिन चीज़ों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्प की है, उन्होंने कोई लाइसेंस लिया है और लाइसेंस उसके पास ये है हथियार का और वो आग भी लगा देते हैं पराली को, इसका मतलब है कि वो पता नहीं कितने सेंसिटिवली अपने हथियार को रख पाएंगे, तो ये चेक हम जरूर कराएंगे और जो भी अगर इस तरह का पाया गया तो उस पे ये हो सकता है कि उसका जो है ना लाइसेंस पे दिक्कत आए। खबर झज्जर से है, मुट्ठी भर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहर के अंबेडकर चौक पर नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर काला दिवस मनाया। छोटी सी संख्या में एकत्रित हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को कोसते हुए उनका पुतला जलाया। खास बात यह रही कि देश भर में कांग्रेस की ओर से काला दिवस मनाने के आदेश आला कमान ने जारी किए तो लेकिन यहां हुड्डा गुट ने विरोध प्रदर्शन से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और जिला कांग्रेस के महासचिव
कुलताज सिंह ने किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बलजीत कौशिक भी इस मौके पर मौजूद रहे। कौशिक ने मौके पर केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का काम किया। नोटबंदी के बाद प्रदेश से कितनी ही औद्योगिक इकाइयां पलायन कर गई। मोदी जी का पुतला फूंका है। नोटबंदी को दो साल हो चुके हैं। 8 नवंबर काले दिवस के रूप में हमारी कांग्रेस सरकार अशोक जी के नेतृत्व में उनके आदेश अनुसार आज नोटबंदी के उपलक्ष्य में पुतला जलाया जा रहा है। हमारे सीनियर कांग्रेस कार्यकर्ता सीनियर नेता सारे मिलजुल के जुलूस निकाला है और मोदी सरकार ने काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इतना बड़ा हाल है पूरे देश में, तराई तराई हो रही है, छोटी इकाइयाँ समाल इकाइयाँ सारी करोड़ों इकाइयाँ बंद हो चुकी हैं। उद्योगपति बड़े उद्योगपति हैं, उनको फायदा पहुँचाने के लिए काला धन को सफ़ेद करने के लिए ये निर्णय लिया गया। मैं कहूँगा हमारी कांग्रेस सरकार जनता के साथ है, जनता के साथ रहेगी, जनता के दुख सुख में कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी रहेगी। देखिए नोटबंदी जो है आज का दिवस जो है पूरे देश भर में काला दिवस के रूप में भी मनाया गया कि 8 तारीख को इस तरह से जैसे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी ना होके डिक्टेटरशिप हो, बिना RBI से डिस्कस किए, बिना फाइनेंस मिनिस्टर से डिस्कस किए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा कर दी और बहुत लोगों को नुकसान हुआ। हम तो केवल ये पूछना चाहेंगे कि उस बात को भी सार्वजनिक करें कि जो पैसा नोटबंदी के दौरान आपके पास आया आपने उसका क्या किया, कितना पैसा हमारा सर्कुलेशन में था और फिर उसका क्या हुआ, और उसके बाद जो है जो नुकसान हमारे देश की जनता को नोटबंदी की वजह से, व्यापार बंद हो गया, बेरोजगार हो गए बहुत से लोग, व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ और डीमोनेटाइजेशन के बाद और उसके बाद फिर GST आपने लगा दिया, कितनी ज़्यादा हमें हैरानी की बात है। कितनी ज़्यादा आपको याद होगा कि अपना ही पैसा निकलवाने पर जो है वो लिमिट लगा दी गई, कैशलेस इकोनॉमी की बात करते करते लोगों को और बैंकों को भी कैशलेस कर दिया। आज स्थिति ये है कि अगर आप सही ढंग से देखें हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा बैंकरप्सी आ गई। कुछ केवल सरकार के दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आम जनमानस का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का पैसा जो है वो धक्के से बैंक में जमा करवा लिया गया। और ख़ास तौर से इसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा अपना जमा करवा रखा था उसको धक्के से तो बैंक में जमा करवाया और लिमिट लगाने के बाद जो है उनको पैसा किसी भी तरह से निकालने नहीं दिया। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था और आज के दिन हम सरकार की कड़े शब्दों में जहां निंदा करते हैं। इनेलो में चल रही पारिवारिक कलह पर अब अन्य दलों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अब तक इनेलो के बीच चल रही खींचतान को रियल फाइट माना जा रहा था, लेकिन अब इसी रियल फाइट को पॉलिटिकल स्टंट की संज्ञा दी जाने लगी है। जी हां, हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने इनेलो में चल रही खींचतान पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। गीता भुक्कल ने साफ तौर पर कहा है कि वैसे तो इनेलो की ये पारिवारिक कलह है, लेकिन पता नहीं अब ऐसा क्यों लगने लगा है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है। भुक्कल सिज्जर में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रही थी। इसी दौरान भुक्कल ने कहा कि इनेलो में वास्तव में हाईकमान कौन है ये समझ नहीं आ रहा। अगर कोई हाईकमान है तो उसका फैसला माना क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि पार्टी हाईकमान की तरफ से नोटिस दिया गया है लेकिन उसे कोई मानने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकली तो जैसा जो भी इनके कार्यक्रम हुए हैं उसमें वोटिंग हुई है, आपस में हुआ है, ये पार्टी क्योंकि पारिवारिक ही पार्टी है। अब वो कभी तो ये कहते हैं कि डॉक्टर अभय सिंह को या फिर इनसो को आप भंग नहीं कर सकते, इनमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनका हाई कमांड वास्तव में कौन है। अगर कोई हाई कमांड है तो उसके फैसले को माना जाए, अगर उनको नोटिस दिया है तो जवाब दिया जाए, नहीं दे रहे हैं तो इनकी क्या सेटिंग है नहीं मालूम। लेकिन आज प्रदेश की जनता इस बात से भी परेशान है कि मुख्य विपक्षी दल जो है वो सही ढंग से अपनी भूमिका निभा नहीं पाया है। जहां तक आपने बात की है दुष्यंत चौटाला जी की और इंद्रजीत जी की जो एक मीटिंग हुई है, उसमें देखिए जब भी इस तरह के कोई मामले होते हैं, पार्टी जब टूटने की कगार पे होती है तो इस तरह के समीकरण चाहे वो बनते रहे, इससे हरियाणा प्रदेश की राजनीति में विशेष तौर से अगर हम देखें कोई ज्यादा सा अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि आज लोगों ने मन बना लिया है कि उन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, जो कि प्रदेश में तरक्की करने की बजाय जो है वो पीछे ले जाने का काम किया, तो आज उनका मन है, छत्तीस बिरादरी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में राज मिले और सुख शांति समृद्धि और खुशहाली जो है दोबारा से यहाँ पर वापिस आए। राज्य मंत्री कृष्ण वेदी ने शाहबाद में विश्वकर्मा दिवस पर एक समारोह में शिरकत करते हुए मीडिया से बातचीत में इनेलो में मचे घमासान और अभय चौटाला पर कहा कि उनकी पारिवारिक लड़ाई पर तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं बहुत समय पहले कहा करता था कि हरियाणा में भी विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है।
और अब तो हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी खतरे में है। उन्होंने पिछले दिनों विश्वकर्मा भवन निर्माण के लिए अनुदान राशि भी भेंट की थी। आज फिर से राज्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अधूरे भवन के लिए अगर और अनुदान की जरूरत होगी तो वह जरूर देंगे। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने दुष्यंत चौटाला और राव इंद्रजीत की मुलाकात की मीडिया में आई चर्चाओं पर बोलते हुए कहा कि अच्छी बात है, बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए अगर गए हैं तो यह एक अच्छी बात है। नाकार इस विश्व के मानव जाति के सबसे बड़े शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी के आज जयंती समारोह में शाहबाद की विश्वकर्मा सभा ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ओर से समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले दिनों ये भवन अधूरा था, 10 लाख रुपये मैंने पहले इस भवन के निर्माण में सहयोग किया और मैंने आज और कहा है कि इस भवन को भव्य बने, सुंदर बने, अच्छा बने, इन लोगों की ज़रूरतों में ये काम दे। इसके लिए और जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी वो पैसा मैं देने का। जैसे आपकी पार्टी के दादा लोवाड़े की बात आपने करी, इसके बारे में क्या? अजमेर जी तिगरी गांव से हैं, दीवान समाज से, हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता श्याम सिंह राणा जो हमारे विधायक हर दौर से उनके क्लासमेट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े निष्ठावान सच्चे सुच्चे सिपाही हैं, बड़ा ईमानदार कार्यकर्ता है। SYL के मुद्दे को लेकर हमने बहुत बड़ा संघर्ष, जब हमारी सरकार सत्ता में नहीं थी हमारे 6 विधायकों ने इस्तीफा दिया था और एक बहुत बड़ी मैराथन 550 किलोमीटर की यात्रा चंडीगढ़ तक SYL के मुद्दे को लेकर हमारे युवा मोर्चा ने की थी। उस युवा मोर्चा के कार्यक्रम में प्रदर्शन करने के लिए, सरकार से मांग करने के लिए हम चंडीगढ़ में एकत्रित हुए थे। उस समय अजमेर धीमान जी उसमें पुलिस की लाठीचार्ज में और पुलिस के पानी की बोछौरा के अंदर को काफ़ी चोटें आई थी। प्रोफेसर गणेशीलाल जी उसमें हमारे अध्यक्ष थे, उनको स्वयं सम्मानित करके गए थे और हमने भी वादा किया था कि यदि आपके संघर्ष के कारण भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी, जो दांत इनका टूटा था चंडीगढ़ के अंदर, हम उसका लुवाने का काम करेंगे। आज सौभाग्य से अजमेर जी यहाँ पर कार्यक्रम में शरीक थे और मुझे वो बात याद थी। आज मैंने अजमेर जी का सोने का दांत लगवाने की बात। रोहतक के गांव घिल्लोड़ कला में एक केवल संचालक को गोलियां मारने का मामला सामने आया है। देर शाम प्रवेश नाम का केवल ऑपरेटर अपने भाई मंदीप के साथ गांव में केवल की कलेक्शन करने के लिए निकला था, तभी 3 बाइक सवारों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें केवल ऑपरेटर प्रवेश को करीब 3 गोलियां लगी हैं। 3 गोली लगने के कारण PGI रोहतक के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। हमलावर गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए। फायरिंग के पीछे का कारण मामूली कहासुनी मालूम हुई है। परिजनों के अनुसार हमलावर गांव के ही रहने वाले हैं। जैसे ही पुलिस इस घटना की जानकारी मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ था, उन्होंने फिर धोखा दे के वारदात कर दी। तो कौन थे वो? मेरे गांव के। कैसा जी, कैसे क्या हुआ, कुछ आपको किस तरह मुझे पता लगा, किस तरीके? मैं साथ में था। अच्छा, थोड़ा आगे पीछे। अच्छा, क्या आप हुक्का वगैरह वो पी रहा था, बता रहे हैं किस तरह से, जो भाट बैठा हुआ था, किस तरह से क्या हुआ था? नहीं, वो तो हम तो केबल ऑपरेटर थे, केबल का बिल इकट्ठा कर रहे थे गाँव में, तो वो पीछे जाए 3 साइड में उन्होंने वारदात बंद कर दी, तो गोली चला दी। मैं दाएं हो गया, मेरा भाई इस तरफ भाग गया। आपको कितने लोग? तीन मोर साइड में साधारण आदमी। जहाँ पे आप बैठे हुए थे वहाँ कितने लोग बैठे? नहीं थे, हम बिल कलेक्शन कर रहे थे। बिल कलेक्शन करते थे। अच्छा, पांच जने आए थे, पर 6 लोग मार के भेदभाव लगने दिया। तो पहले किसी से कोई झगड़ा या नहीं? थोड़ा बहुत वाला बुक्का का पसमो है, जा रोड को छीन था। कौन थे मारने वाले? कोई पता ही नहीं, उनका तो पता ही नहीं लगा, उनका तो लग गया जब तक पता आ गया। कांग्रेस के नेता भले ही हरियाणा में गुटबाजी से साफ इनकार कर रहे हों, लेकिन रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा केवल भूपेंद्र हुड्डा को ही प्रदेश की सत्ता के लायक मानते हैं। रोहतक पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने तो ये ऐलान तक कर दिया कि केवल भूपेंद्र हुड्डा ही प्रदेश का विकास कर सकते हैं। उन्होंने दूसरी पार्टियों के असंतुष्ट नेताओं को भूपेंद्र हुड्डा का साथ देने का न्योता तक दे डाला। साथ ही 2 साल पहले हुई नोटबंदी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने 4 साल में प्रदेश में कोई भी विकास नहीं किया, वहीं इनेलो पार्टी में भी अतिरिक्त कलह चल रही है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही ऐसे नेता हैं जो प्रदेश का विकास कर सकते हैं, इसलिए इनेलो बीजेपी और अन्य पार्टियों के जो असंतुष्ट नेता हैं वे भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस का साथ दें। जहां तक गुटबाजी की बात है वो निराधार है। देखिए, नोटबंदी में का
जो वित्त मंत्री का बयान आया है अरुण जेटली जी का कि ये काले धन के लिए नहीं करी गई थी नोटबंदी, काले धन के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि सारा पैसा वापस आ गया है और वो तो आना ही था और ये काले धन के लिए नहीं करी गई थी। मैं समझता हूँ इस बयान से देशवासी संतुष्ट नहीं है। वो ये बताएं अगर ये काले धन के लिए नहीं की गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था काले धन के लिए की गई थी, अब वो खुले में अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि ये काले धन के लिए नहीं की गई थी। इससे तो खुद ही यानी कि अपनी जो विफलता है इस योजना की वो मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। लगभग पूरा पैसा वापस आ गया बैंकों के अंदर, लोग जिन लोगों के पास काला धन था उन्होंने अपना काले धन को सफ़ेद बनवा लिया, गरीब आदमी मारा गया देश के अंदर, 125 लोगों की मौतें हो गई, लाइन के अंदर खड़े हुए कठिनाइयां हुई करोड़ों देशवासियों को, और अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया। आज तक अर्थव्यवस्था नहीं उभर पाई, 2% तो आर्थिक विकास दर कम हो गया देश में, करोड़ों युवाओं को बेरोजगार होना पड़ा, लाखों यूनिट बंद हो गई, 20 लाख तो युवाओं को हरियाणा के अंदर बेरोजगार 20 लाख युवाओं को होना पड़ा क्योंकि यूनिट्स बंद हो गई, निवेश हुआ नहीं। तो इतना बड़ा फैसला, और आज वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि काले धन के लिए नहीं लिया था क्योंकि हमने इसमें कोई काला धन नहीं मिल पाया तो इसीलिए काले धन के लिए तो लिया नहीं, तो फिर यह क्या किस लिए लिया था फैसला बताएं। वो बड़ा दुर्भाग्य है, मैं समझता हूँ ये योजना, इससे देश का बड़ा नुकसान हो गया, बिना सोचे समझे एक योजना लेके आई और केवल अपनी खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के उद्देश्य से सोचा प्रधानमंत्री जी ने और ये बैकफायर हो गई। रोहतक के सलारा मोहल्ला में समस्त समाज के जरिए विश्वकर्मा डे मनाया गया। इस अवसर पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और रोहतक लोकसभा अध्यक्ष किशन लाल पांचाल को कार्यक्रम में पहुंचने पर फूलमालाओं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर किशन लाल पांचाल और समस्त उपस्थित जनसमूह ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की और भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए पांचाल ने विश्वकर्मा दिवस की बधाई भी दी और कहा कि भगवान विश्वकर्मा की देन है कि आज हमारा समाज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरे समाज ने जो मान सम्मान दिया है, मैं समस्त समाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं 10 साल विश्वकर्मा समाज का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रहा और जगह जगह मुझे मेरे विश्वकर्मा समाज के लोग ही मुझे बुलाते थे, एक एक दिन में कई कई प्रोग्राम अटेंड करने पड़ते थे। लेकिन आज जीवन में मेरे को इतनी बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ वाल्मीकि समाज, कबीरदास जी, रविदास जी, विश्वकर्मा वंशी, सैनी समाज, राजपूत समाज, सासी समाज, प्रजापत, जितनी भी हमारी ओबीसी की और जनरल की जितनी भी हमारी जाति हैं, 36 बिरादरी ने मिलकर के आज विश्वकर्मा दिवस मनाया और मुझे जीवन में हकीकत में इतनी बड़ी खुशी इसलिए हुई कि सबके साथ मिलकर के मुझे आज पहली बार अवसर प्राप्त हुआ है कि हमने विश्वकर्मा डे मनाया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।